हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 16 जुलाई है, 17 जुलाई है। कल 16 जुलाई को मेरा कोई भी व्लॉग नहीं गया, मन ही नहीं कर रहा था। मैंने आप लोगों से बोला था कि अब से मेरे जो है डेली व्लॉग्स आएंगे, डाला करूँगी मैं वीडियो, बट कुछ करा ही नहीं मैंने। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या आप समझ सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा सोच कह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है पापा से रिलेटेड। तो मोस्टली काम जो था वो राखी ने किया था, उसका क्या दिखाती मैं। लोग फिर उसको भी टारगेट करते हैं, बच्चों से काम करवाते हो, बट रहती वो ही है मेरे साथ में, क्या करूँ। दिया बहुत छोटी है, तो कल का दिन मेरा सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही निकल गया सोचने में। जब मम्मी के घर थी ना, तो था कि पापा के घर में ही है। अपने घर पे आके अजीब सा लग रहा था कि अब घर पे, जैसे इतने दिन से बना हुआ था, पापा बीमार है, जल्दी से जाना है, देखना है उनको, और घर आके ऐसे लग रहा था कोई भी नहीं मिलेगा। रह रहे के वो चीज़ें याद आ रही थी कि पापा आ जाते थे इस टाइम तक, सुबह दिया को लेने आ जाते थे बाइक पे और फौरन बजाते थे, और फिर बाद में मैं ही जाती थी जब पापा बीमार हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। कई सारे लोगों ने पूछा मेरे पापा को क्या हुआ था। मेरे पापा को जो भी हुआ था आज तक हमारे घर में किसी को नहीं हुआ था, किसी को भी नहीं था। और लीवर की प्रॉब्लम तो थी उनके, पानी भर जाता था पेट में, और डायलिसिस का मतलब था कि डॉक्टर ने मना ही कर दिया था डायलिसिस के लिए, कि शरीर इस तरीके का है नहीं झेल पाएगा। और मेरे पापा के लीवर में कैंसर भी था, और जो कि हमको 17 मार्च के बाद ही पता चला था, और उसके बाद मेरे पापा ख़त्म होते चले गए, बिल्कुल देखा है हमने। पता नहीं मेरे पापा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर दिन बने हुए थे एक तरीके से आप कह सकते हो। 28 जून को मेरे पापा की जो है डेथ हुई थी, शाम के 7:45 बजे। मैं पास में थी, मम्मी थी, बड़ी मम्मी थी, मेरा भाई जो है बड़े पापा को लेने गया हुआ था, तो 5-10 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और 29 को मेरे पापा घर से विदा हुए थे, 29 जून को। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, पिछले साल 2019 में मेरे पापा ऑफिस से रिटायर होके घर आए थे 29 जून को। रिटायर होके जब आए थे मेरे पापा, फूल माला पहनी थी, खूब सारी टेंट लगा हुआ था, बहुत सारे रिश्तेदार थे और मेहमान थे घर में बहुत सारे। और अगले साल सेम 2020 में जब मेरे पापा 29 जून को ही इस दुनिया से विदा हुए, फूल माला पहनी, खूब सारी टेंट लगा हुआ था, बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे लोग थे, उसी दिन विदा हो गए। एक साल पहले ऑफिस से फ्री होके आए, और एक साल बाद दुनिया से फ्री होके चले गए 29 जून को, बिल्कुल फ्री हो गए वो। फिर उसके बाद 1 जुलाई को मेरे पापा का बर्थडे होता है, उनका बर्थडे आया, जिस दिन दुनिया में आए, अपने निशान लेकर दुनिया में आए, उसी दिन उनकी जो अस्थियां हैं वो प्रवाहित की गई। और कहते हैं ना, दुनिया में जिस दिन आए उसी दिन नामो निशान मिट गया, अस्थियां उनकी प्रवाहित कर दी, जो सब कुछ था वो उसी दिन ख़त्म कर दिया। दिन बहुत ही सोच समझ के भगवान ने लिखे मेरे पापा की ज़िंदगी में, इस तरीके से चले गए। अब भी सोचो, सब लोग हैरानी करते हैं कितनी, कि कैसे कैसे दिन थे लिखे हुए थे, बर्थडे वाले दिन आए और बर्थडे वाले दिन ही चले गए। बहुत मुश्किल होता है किसी का चले जाना। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं वीडियो
कैसे बनाऊँ, क्योंकि मैं खाना, मैं बताऊँ, मैं दिया के लिए बना रही हूँ थोड़ा बहुत जो बना रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं नहीं खाती, खाती हूँ मैं थोड़ा बहुत, लेकिन वही जो होता है ना, मन नहीं कर पा रहा मेरा बिल्कुल भी। मैंने कल व्लॉग नहीं डाला, कल मेरी फ्रेंड्स ने फिर व्लॉग डालो डालो डालो, मैंने रिप्लाई नहीं किया उनको। और एक दो जनों को लगा कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, तो मैं उनको बता दूँ, मैंने ब्रेक लिया है, ब्रेक लिया था, मतलब 15 दिन का मैंने ब्रेक लिया था। मैंने उसके बाद वीडियोस बनाने शुरू करी, इसको मैं एक अपने काम की तरह लेती हूँ, मुझे अर्निंग होती है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, मैं जो ये बोलूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं क्यों वीडियोस बनाऊँ, इतना हम नहीं कमाते हैं, मेरी अर्निंग होती है इससे, ये मेरा काम है। मैंने 15 दिन का गैप खुद सोच समझ के लिया था, और अब भी मैं बताऊँ 15 दिन के बाद मैंने सोचा था मैं वीडियोस बनाऊँगी, बट मैं नहीं बना पा रही, मेरा मन ही नहीं कर पा रहा, अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं वीडियोस बनाऊँ, नहीं कर रहा। क्या बनाऊँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है जो मुझको पूरा करना है, मुझे पूरा करके देना है, क्योंकि वो मेरे पापा के जाने से पहले ही आ चुका था वो काम, वो मुझे पूरा करके देना है। और यूट्यूबर्स ये चीज़ें समझ सकते हैं, और जो यूट्यूबर जो जेलिस करते हैं वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को, और वो आईडीज़ बदल बदल के उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, करे भी हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं करे हैं, उन्होंने मेरी कल वाली वीडियोस पे भी बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स करे हैं, और उन चीज़ों को मैं बिल्कुल इग्नोर करूँगी, क्योंकि देखो मैं अपने पापा के लिए रो रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो वो मेरी अपनी फीलिंग है, मेरे अपने इमोशंस हैं, जिनके अंदर इमोशन थे वो मेरे साथ रोए हैं, और उन्होंने मुझे कमेंट करके भी बताया है कि हम रोए हैं, और ऐसी चीज़ों पे हमें भी रोना आता है, चाहे किसी और के साथ ही हो। फिलहाल मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं रोई हूँ, लेकिन किसी और के साथ भी होता है, मैं तब भी रोती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं रो पाई क्योंकि मैं रोती थी, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होते थे, बट अब मैं रोई हूँ क्योंकि बताते बताते मैं रो पड़ी थी वीडियोस में, मेरी वीडियोस देख के मेरी मम्मी भी रोई होगी, मुझे पता है, मेरे रिश्तेदार भी रोए होंगे, पुरानी बात नहीं है ना, बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पापा के लिए मैं ही रो सकती हूँ, मैं किसी को नहीं फोर्स कर सकती कि आप लोग भी रो, आप लोग दिलासा नहीं दे सकते, तो गलत कमेंट भी मत करो, मैं इतना ही बोलूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस फ्लो में बोल रही हूँ, बस बोले चली जा रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरे पापा की आत्मा की शांति के लिए दुआएं करी है, मुझे हिम्मत दी है, मुझे दिलासा दिया है, सबका दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का कि मेरे साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हो। और मेरे साथ मुसीबतें बहुत सारी रहती हैं, हमेशा दुख बहुत सारे रहते हैं, मैं क्या करूं, सब लोग कहते थे खुश रहने की कोशिश करो, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी शुरू करी थी, पूरा फोकस मैंने वीडियोस पे लगा दिया था अपना, फिर से वही सब हो गया, क्या करूं। आप लोग कहते हो ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा इस तरीके की बातें, इस तरीके की बातें, क्या करूं अब बताओ, कैसे खुश रह लूं। बारिश, बहुत तेज बारिश है, कैसे खुश रह लूं, चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पापा को क्या हुआ है, पापा को क्या हुआ है, मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन अब वो चले गए, मैंने बता दिया, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखते थे, हमने अपने पापा को कभी भी नहीं बताया था कि क्या है उनको, क्या प्रॉब्लम है उनको, आज नहीं है, वो बता दिया मैंने, इससे कोई नहीं बच सकता, ये आप भी जानते हैं। रिकवर हो सकता है इंसान, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, जानते हैं ना आप लोग।